आपको बैक पेन के बारे में बताने चाह रहा हूँ। बैक पेन में कटिशूल, गिरदस्सी, साइटिका आदि नामों से जाना जाता है। इसके प्रमुख कारण अधिक वजन उठाना, बैठने वाली नौकरी का करना, ओबेसिटी, अधिक चिंता करना, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी या स्लीपिंग बैड का बहुत सॉफ्ट होना, ये कारणों के कारण बैक पेन बहुत मिलता है। लक्षण, कमर में दर्द होना, कमर से दर्द पैर में जाना, कभी कभी झुनझुनी फील होना, कभी टिंगलिंग सेंसेशन फील करना, कभी उसके अंदर बर्निंग सेंसेशन फील होना, ये आदि लक्षण इसमें मिलते हैं। खास तौर पर उपचार के ऊपर बताना चाहूंगा आपको। उपचार में आप गर्म पानी सेंधा नमक के साथ मिलाकर अगर कमर पर सेक करते हैं या गिराते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। सेकेंड, आप जो घर में कर सकते हैं वो एक और उपचार बताना चाहूंगा। आप सरसों का तेल ले लें। सरसों के तेल के अंदर आप लहसुन की कुछ कलियों को डालकर गरम करें और जब वो लाल तप्त हो जाए या वो उसमें भुन जाए तो उसको छान कर अलग कर लें। ठंडा करके आप अपने कमर पे लगाएंगे तो आपको कमर दर्द में आराम मिलेगा। इसके अलावा आयुर्वेद में औषधियों का भी वर्णन है और पंचकर्मा का भी वर्णन है। औषधियों में कई औषधियां होती हैं जो कि वैद्य अनुसार आपको दी जा सकती हैं जिससे आप बड़े बड़े ऑपरेशनों से बच सकते हैं। पंचकर्मा भी एक इसका उपयुक्त उपाय है और पंचकर्मा में कटी वस्ती, साथ में आप पत्रपिंड भी दे सकते हैं और मात्रा वस्ती जो कि अनवस्थन वस्ती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जो एक खास तौर पे जरूर बताना चाहूंगा एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम है पारिजात। इसको आप देखेंगे ये इस तरीके की पत्तियां होती हैं। पारिजात की पत्तियां ऊपर से खुरदरी होती हैं और ये प्लांट बहुत ही लाभदायक है एक कमर दर्द के रोगी के लिए। इसको प्रयोग कैसे करना है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये प्लांट का प्रयोग आप 10 पत्ती को 1 गिलास पानी में उबालें और उबालने के पश्चात जब वो आधा गिलास बचे तो उसका नित्य सेवन करें। इससे आपके बैक पेन में कमी आएगी। सावधानियां, सावधानी में खास तौर पे आप ये ध्यान रखें कि वजन ना उठाएं। वजन उठाने से आपके कमर दर्द बढ़ेगा। सेकेंड सावधानी जो आती है स्लीपिंग बेड कड़क होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी सावधानी, झटके से नहीं उठना है। झटके से उठने से आपकी कमर पर लोड पड़ेगा और आपको तकलीफ बढ़ेगी। अधिक हील वाले शूज या सैंडल का प्रयोग नहीं करना है। इससे आपकी कमर पर जोर पड़ेगा और आपको तकलीफ पड़ेगी। अब मैं आपको पंचकर्म में कटी बस्ती और नाड़ी स्वेदन के बारे में बताना चाहूंगा। अब हम पहले रोगी को चेक करेंगे कटी बस्ती लगाने से पहले कि उसके कमर में किस लोकेशन पर दर्द है। ज्यादातर लंबर और सेक्रल रीजन में दर्द होता है। जैसे ये रोगी है, इनको यहां पर दर्द है, हमको यहीं पर ही इम्प्लांट करनी है। वर्टिबल कॉलम के बीचों बीच लगानी है, दोनों तरफ बराबरी से ले लें। अंदर और बाहर दोनों तरफ चिपका लेना है आटे को जिससे तेल बाहर ना आए। इस प्रकार से आटे को अंदर और बाहर दोनों तरफ से चिपका लेते हैं जिससे तेल अपना बाहर ना आए। इसके बाद में इसमें कॉटन पैड रख दिया जाता है जिससे तेल इसी के अंदर सोक करके रहे। तेल को स्प्रेड कर लेना चाहिए सब तरफ एक साथ। गुनगुना सा तेल प्रयोग किया जाता है जिससे इसकी सिकाई भी होती जाए। बार बार तेल बदलते जाते हैं और इस तेल का टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। यह औषधि युक्त तेल है जो कि जड़ी बूटियों से सिद्ध किया जाता है। वात रोगियों के लिए वातशामक तेल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये तेल को हमने इसमें डाल दिया है। यह वैद्य के परामर्श अनुसार प्रयोग किया जाता है। 20 से 30 मिनट तेल को धारण करने के पश्चात इसको रिमूव कर लेते हैं बड़े आहिस्ता से जिससे रोगी को दिक्कत ना हो और उसे किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव ना हो। इस प्रकार से इसको आहिस्ता से निकाल लिया जाता है जिससे रोगी को कष्ट ना हो। जो तेल है उसको स्प्रेड कर लिया जाता है आहिस्ता से। कमर पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लगाना है। आटे को बहुत सावधानी से रिमूव करना है। इसको नाड़ी स्वेद बोलते हैं। ये पाइप के द्वारा दी गई स्टीम होती है। इसमें जिस भी लोकलाइज पार्ट पे हमको स्टीम करना होता है हम उस पार्ट पर स्टीम कर सकते हैं। कमर दर्द के रोगियों के लिए नाड़ी स्वेदन भी एक अच्छा लाभ पहुंचाने वाली प्रक्रिया है। कटी बस्ती के बाद में नाड़ी स्वेदन दिया जा रहा है इनको।
इसमें ध्यान देने की बात है, ये ना ज़्यादा नज़दीक से और ना ज़्यादा दूर से दिया जाता है, और जब हम इसमें हाथ फेरते हैं रोगी के ऊपर कमर पर, तो बहुत प्रेशर से हाथ नहीं फेरना है, बहुत आहिस्ता से करना है, और ये प्रक्रिया किसी कुशल वैद्य के प्रेजेंस में ही करें तो बेहतर है। नाड़ी स्वेदन हमें तब तक करना है जब तक शरीर से पसीना नहीं आने लगे। इस पसीना आने में लगभग 3 से 6 मिनट का समय लगता है और रोगी को पसीना आने लगता है, इसका मतलब सम्यक स्वेदन का लक्षण मिल रहे हैं और सम्यक स्वेदन हो गया है। इस प्रकार आज हमने आपको बैक पेन के बारे में बताया और उसके लक्षण, कारण, साथ में उसमें संभावित उपचार, और हम ये चाहेंगे कि ये जो भी बैक पेन के रोगी हैं उनको आप अधिक से अधिक बताएं और शेयर करें, जिससे वो बड़े बड़े ऑपरेशनों से बच सकें और आयुर्वेद के द्वारा कटिशूल या ग्रदसी या साइटिका के लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय आयुर्वेद।